نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن بطش ربك لشديد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबिका हर खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला। तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, हर एक मेरी लग्जिश खता मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मुझे इस्तेकामत तो ईमान पे दे दे, मुझे इस्तेकामत तो ईमान पे दे दे, बाहर खैर हो खातिमा मेरे मौला। हो कदमों में सरकार के जब मेरा सर, हो कदमों में सरकार के जब मेरा सर, तो ईमा पे इस दम उठा मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितनी बुरी हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितनी बुरी हूँ, तो ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला। तुझे वासिता तेरी रहमत का या रब, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला। न मोहताज कर तू जहां में किसी का, न मोहताज कर तू जहां में किसी का, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला। मुझे भी दिखा दे तू जलवा नबी का, मुझे भी दिखा दे तू जलवा नबी का, यही है मेरी इल्तिजा मेरे मौला। अज़ीज़ुल क़दर तमाम सामियात अज़ीज़ात, पिछले 7 दिन हमने अपनी कोशिश से अपने रोज़े को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए फरमुदात नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपने आमाल का औकात का जायज़ा लिया और अपने रब से वादा भी किया और कोशिशें भी जारी कर दीं ताकि इस माह मुकद्दस का कोई दिन हमारा ज़ाया ना हो सके और हर रोज़ा
पहले से बेहतर हो सके। अल्लाह करीम से आज भी हस्ब मामूल दुआ करते हैं कि वो रब्बे जुल जलाल हमारी इस तरतीब वार कोशिश को कबूल फरमाए। और आज 8 रमज़ानुल मुबारक की इस मुनव्वर सुबह में जिस गुफ्तगू की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है हालाते हाजरा का जायज़ा और हमारी मसरूफियात, जिससे मुतालक मैंने सूरतुल इन्फितार और सूरतुल बुरूज से आपके सामने आयात करीमा पेश की। दोबारा आपकी समाअतों की नज़र करती हूँ, तवज्जो फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस मोहब्बत से अपने बंदों को बावजूद उनके मुजरिम होने के, बावजूद इनके गाफिल होने के, बावजूद इनके उस मुक़दस बारगाह से फ़रार होने के, फिर भी वो अपने खालिक को मालिक होने का ऐलान करके मोहब्बत से उसी दरवाज़े पे आने की दावत दे रहा है और बता रहा है कि तेरे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐ इंसान, अगर मैं तुझे पकड़ना चाहूँगा तो मेरी गिरफ्त बहुत सख्त है। कायनात में कोई जगह तो ऐसी नहीं जो मेरी हदूद से बाहर हो, वो ख़्वाह सातों ज़मीनों से नीचे हो या सातों आसमानों के ऊपर, तो तू भाग कर जाएगा भी कहाँ। लिहाजा तुझे मेरी आवाज़, रहमत भरी आवाज़ समझ भी लेनी चाहिए, सुन भी लेनी चाहिए। इरशाद बारी तआला है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे अपने करीम रब से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया। वो कितना करीम है तुझे अंदाज़ा भी है। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, वही तो है जिसने तुझे पैदा किया, फिर दुरुस्त किया, फिर बराबर किया। और फिर दूसरी जगह पर इरशाद हुआ कि अगर तुझे मेरे बुलाने पर भी समझ ना आई, मेरी रहमत पर तेरा भरोसा और यकीन मजबूत ना हुआ, तो फिर तू भाग कर भी देख ले, मेरी नाफरमानी करके भी देख ले। इन नबत शौरबी कला शदीद, कि तेरे रब की पकड़, तेरे रब की गिरफ्त बहुत ही सख्त है। आप सब सोच रहे होंगे कि हर शख्स जब बात करता है तो आज हर बात का आगाज़ कोरोना वायरस से होता है, तो हमने इतने दिनों में इससे मुतल्लिक कोई बात नहीं की। उसकी वजह मैंने अर्ज़ कर दी कि मुझे ये लगा कि जो साल के बाद अल्लाह पाक ने हमें इंतहाई नायाब लम्हात अता किए हैं, पहले हमें उनके लिए ख़ुद को तैयार कर लेना चाहिए और फिर अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए और अपने हालात का जायज़ा भी लेना चाहिए। सो मैंने उस तरतीब के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को मुरत्तब किया। यहाँ ज़िमनी तौर पर यह भी अर्ज़ करना चाहूँगी कि बाज़ साहिबात की तरफ से आराम मिल रही हैं, जैसा कि हमेशा होता है कि इस टॉपिक पे भी कुछ बयान फरमाएं, इस पे भी बयान करें, तो आप जमा खातिर रखिए। जिस तरह से हम हर साल में आपकी बल्कि अपनी सबकी ज़रूरत के मुताबिक कोशिश करते हैं कि उन तमाम मौजूआत को सामने लाया जाए, बयान किया जाए जिनका ताल्लुक हमारी यानी ख़ास तौर पे ख़वातीन की ज़िंदगियों से है, वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, उनकी औलादें हैं, बच्चे हैं, घरेलू अमूर हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी तरतीब से इस साल भी हम चलेंगे और ये तमाम मौजूआत जिनका बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक से ताल्लुक़ है और फिर इससे हट के पूरे साल से ताल्लुक़ है, वो अपने अपने वक्त पे हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो
बात होगी आज इस माहौल के मुतालिक, जिसका पहला मौजू कोरोना वायरस बनता है। तो सामियाते मोहतरम, ये कोरोना वायरस क्या है, क्यों है और कहाँ है? जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके मुताबिक कोरोना वायरस भी एक ऐसे जरासीम और ऐसे वायरस हैं जो ऐसी ख़तरनाक बीमारी पैदा कर रहे हैं कि उसके नतीजे में मरने वाले की रुखसती को देखकर, उसके जनाजे को देखकर, उसकी आखिरी रसूमात को देखकर इंसान सर से पैरों तक दहल जाता है। कहाँ है? इल्ला माशाअल्लाह कमोबेश पूरी दुनिया में इस वक्त इस बीमारी की गर्दिश है। और क्यों है, यहाँ मुख्तलिफ आरा आ जाती हैं, हमें उनको पहचानने और समझने की ज़रूरत है। और जब हम गहराई में जाकर इनको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें अपने अंदर से इसका जवाब मिलेगा। आकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने अक्दस को सबसे पहले ज़ेहन नशीं फरमा लीजिए, ताकि जो जो हम आगे बढ़ते जाएं हमें अपना मुहासबा करना आसान हो जाए। आप अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान है कि क़यामत के नज़दीक बेअमली, दीन से दूरी और बेहयाई इतनी बढ़ जाएगी कि उसके नतीजे में अल्लाह की नाराज़गी का इजहार इस तरह होगा कि दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां फूट पड़ेंगी जिनको ना कभी किसी ने सुना होगा, ना कोई उनका नाम जानता होगा। आप अगर तसव्वुर फरमाएं तो कुछ अरसा पीछे से चले आएं, जब लोगों ने पहली मर्तबा कैंसर का नाम सुना था। थोड़ा सा आगे आ जाएं, फिर डेंगू बुखार का नाम आम हो गया, फिर और आगे आ जाएं, फिर हेपेटाइटिस सी बी के नाम मंजर आम पे आ गए, और अब कोरोना वायरस, जिसको हम तो क्या, हमसे दो गुना तीन गुना ज़्यादा उम्र वाले लोग जो हैं वो भी भरमला ये कहेंगे कि हम तो ये पहली मर्तबा नाम सुन रहे हैं। तो यहाँ फिर आपको सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आली शान है, आज हमें उसका वजूद, उसका ज़हूर आँखों से दिख रहा है। अब रही बात के अब हम इसको किस तरह पहचानें कि हमारे लिए ये अजाब है, हमारे लिए ये आजमाइश है, या हमारे लिए ये साजिश है। इसकी पहचान कैसे होगी कि ये तो मुसलमानों को भी लाहक है और गैर मुस्लिमों को भी लाहक है। हर जगह पे इसका कोई ना कोई असर और इसका वजूद नज़र आ रहा है। तो इसको इस आसान मिसाल के साथ समझ लीजिए कि तकालीफ, इब्तिला और बीमारियां हर इंसान को आती हैं, वो गुनाहगार हो, फताकार हो या नेकोकार। तो आम इंसान जिसको इसमें इम्तियाज़ करना नहीं आता और वो नहीं समझ सकता, तो वो उसको एक ही पैमाने से परखता है कि फलां तो गुनाहगार था, फलां तो था ही ऐसा, तो
तो उस पे तो आजमाइशें आईं, उस पे बीमारियां आईं। तो ये तो बड़ा नेक था, ये तो बड़ा परहेजगार था, ये भी बीमार हो गया, इसको भी मुसीबत आ गई। तो ये हमारी बेसमझी की बात है। अल्लाह करीम, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपके सामने पेश किया कि मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि तुझे किस चीज़ ने अपने करीम रब से धोखे में डाल दिया। वो तो करम फरमाता है हर हाल में, सख्त से सख्त गुनाहगार शख्स भी हो तो उस पर लातादाद तरीक़ों से वो करम फरमाता है। यहाँ हमारे पास क्या मिसाल है कि अगर एक शख्स गुनाहगार है वो भी शदीद बीमारी का शिकार है, और एक नेकोकार है वो भी शदीद बीमारी का शिकार है, दोनों में फ़र्क क्या होगा? जो गुनाहगार है उसकी बीमारी उसके गुनाह की वजह से है, वो उसके लिए बज़ाहर जो तकलीफ़ का सबब है बिल आखिर वो उसके गुनाह बख्शवाने का सबब बन जाएगी। कब? जब वो उस बीमारी को अपने रब की तरफ से समझेगा और वो सोचेगा कि ये वाकई मेरे गुनाहों की वजह से मेरे ऊपर बीमारी आई है तो मुझे अपने रब के हुजूर तौबा करनी चाहिए, अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब वो ये करेगा तो फिर वो बीमारी उसके गुनाहों को बख्शवाने का सबब बन जाएगी, यानी उनका कफारा बन जाएगी। और दूसरी तरफ जो नेकोकार है वो क्यों मुबतला है आजमाइशों में, मुसीबतों में और तकालीफ में? वो इसलिए कि अल्लाह के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम जब किसी बंदे को बहुत आला तरीन मकामात पे पहुंचाना चाहता है और बंदा स्लो होता है, वो अपनी इबादत और रियाजत से वो मकाम नहीं पा सकता जो अल्लाह पाक ने उसके लिए मुतय्यन फरमाया होता है, तो फिर रब्बे ज़ुल्जलाल उस पर तकलीफ़ें नाजिल करता है, बीमारियां नाजिल करता है, मसाइब नाजिल करता है। सब्र आजमा चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आती हैं, इन पर वो जब सब्र कर लेता है तो रब्बे ज़ुल्जलाल यकदम उसकी प्रमोशन फरमाकर उन मकामात तक ले जाता है जिन मकामात ने वो साल हा साल की इबादत तक भी नहीं पहुंच सकता था। तो बज़ाहर सूरत तकलीफ़ की एक है मगर अंजाम कार दोनों का मुख्तलिफ है। गुनाहगार के वो गुनाह बख्शवाएगी अगर उसने रब से माफ़ी मांग ली, और जो नेकोकार है उसके दराजात बुलंद करने के लिए अल्लाह का क़ुर्ब दिलाने के लिए वो तकलीफ़ आई है। अब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से किसी ने दरियाफ्त किया कि हज़रत हमें ये कैसे पता चले कि जो बीमारी हमारे लिए आई है वो बीमारी और वो मुसीबत हमारे लिए रहमत है या मुसीबत है? तो आपने इरशाद फरमाया कि अपना जायज़ा लो, अगर तो उस बीमारी ने तुम्हारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दी, अगर उस बीमारी ने तुमसे तौबा करवा ली, अगर उस बीमारी ने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया तो फिर समझ लो कि वो बीमारी और वो तकलीफ़ तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है, और अगर उस आने वाली तकलीफ़ या आजमाइश में तुम अल्लाह से और दूर हो गए, पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गए, जैसा कि कई लोगों को देखा जाता है कि उन पे जब आजमाइश आती है तो वो अल्लाह की ज़ात पे माज़ अल्लाह वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं, अल्लाह की ज़ात पर बोहतान बांधने लग जाते हैं, उसके साथ ऐसे अल्फाज से शिकवा करते हैं जो उसकी शान को ज़ेबा नहीं होता। तो ये कौन लोग होते हैं? ये वो हैं जो उस आजमाइश और उस तकलीफ़ के आने पर पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं
लिहाजा ये उनके लिए अल्लाह का अजाब है। और जो उस बीमारी और मुसीबत की वजह से अल्लाह के करीब होने लग गए तो वो बीमारी उन लोगों के लिए रहमत बन गई। अब देखिए हमारे यहाँ आजकल जो घरों में और दीगर अपने इलाकों में जो माहौल देखने को मिल रहा है, अगर इसका हम जायज़ा लें तो पहले आगाज़ हुआ, शोर शराबा हुआ, हर तरफ डिबेट्स हुई, गुफ्तगू हुई, मकालमे हुए, लोगों को फोर्स किया गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर जब हर तरफ से भरमार हुई डराने वालों की और खौफ पैदा कर दिया गया, हरास पैदा कर दिया गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको संजीदा लेना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक लोग अपने घरों में मुकैद हो गए। और कुछ लोगों ने आज तक भी उसको संजीदा नहीं लिया, वो या तो ज़बरदस्ती या फिर लापरवाही से कुछ एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं और कुछ फजूल चलने फिरने और वक्त गुजारने में मशगूल हैं। वो दोनों कैटेगरी सामने आ गईं जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई थी कि ख़ुद अपना जायज़ा लो कि वो तकलीफ़ जो है वो तुम्हें अल्लाह के करीब कर रही है या अल्लाह से दूर कर रही है। एक तरफ तो हमारी वो कौम है जो मस्जिदों पर लड़ाई कर रही है कि मस्जिदें क्यों बंद की जा रही हैं, और दूसरी वो कौम है जिन्हें इससे कोई गरज ही नहीं है कि मस्जिदें बंद हों या खाना काबा बंद हो या हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद हो, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर इससे पहले का जायज़ा लिया जाए तो ये परसेंटेज आसानी हमारे सामने आ सकती है कि इन मस्जिदों में आम और नॉर्मल और पुरअमन हालात में जाने वाले कितने फ़ीसद लोग होते हैं, और रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम तरीन महीना जब जलवागर होता है तो फिर जाने वालों की रूटीन क्या होती है। पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, एक हफ़्ता लोगों की तादाद बेहतर होती है, दरमियान वाले रोज़ों में फिर तादाद आधी रह जाती है, और जब आखिरी दो तीन रोज़े रह जाते हैं फिर लोग जाना शुरू हो जाते हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, गोया के ना तो अल्लाह करीम उनकी इस हरकत से वाकिफ़ है और ना उसे ये पता है कि लोग कितने नमाज पढ़ने आ रहे हैं, कितने तरावी पढ़ रहे हैं और कितने ज़ौक से पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा धोखा अपने साथ इंसान का क्या होगा। दूसरी तरफ सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे पूरे माहौल में, पूरे मुल्क में, जिसको सीधा कोरोना वायरस कहना भी नहीं आता, वो पूरा दिन इसके उल्टे सीधे नाम ले रहा होता है और लगता है कि मुल्क का सबसे बड़ा सियासतदान वही है, हकीम भी वही है, तबीब भी वही है, और पूरी कौम के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ये प्रोपोगंडेज होते हैं जो इंसान को गुमराह करने की शरीर ताकतें होती हैं, वो किसी न किसी सूरत में ज़ाहिर होती हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर ताकत जो है वो किसी ड्रोनी शक्ल में आएगी तो आपको डराएगी तो आपको समझ आएगी, नहीं, वो हमारे ही अंदर वो ऐसे अनासर होते हैं जो शर का किरदार अदा करते हैं और इंसान को अपने मकाम से बहका देते हैं। सो पिछले कई महीनों से हमारे लोगों का यही हाल है, यानी अमली तौर पे कुछ लोगों के सिवा कोई शख्स कुछ करने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, संजीदा होने को तैयार नहीं है। बस वो एक शुगल है, एक इन्वॉल्वमेंट है, वो हर शख्स दूसरे के साथ करना चाहता है, उस पर डिस्कस करना चाहता है और वो चल रही है। मैंने अर्ज़ किया कि तमाम चैनल्स पर डिबेट्स हो रही हैं, मकालमे हो रहे हैं, आरा दी जा रही हैं, हुकमा बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हुकूमत ऐलान कर रही है, मगर इन सारी चीज़ों को असल रुख से समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने इसीलिए
डायरेक्ट उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि आप लोग इतना सुन चुके हैं, सब इतना सुन चुके हैं कि अब उस पर गुफ्तगू करना फजूल है। अब गुफ्तगू हमें सिर्फ ये फ़ायदा देती है कि हम अपना मुहासबा करें। जितने लोग रब्ता करने वाले हैं, आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जिनका ताल्लुक यहाँ हमारे साथ है, जब गुफ्तगू की जाती है, ये सुनी जाती है, ये बाहर के हालात का पता चलता है, तो मालूम ये होता है कि आज भी हमारी जो नौजवान जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनमें कसीर तादाद हमारे बच्चों और बच्चियों की ऐसी है जो इस वक्त को अपने लिए बेकार वक्त समझ भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। फिर दूसरी तरफ मैंने अर्ज़ किया कि शरीर ताकतें जिस तरह मसरूफ़ अमल हैं, जैसे ही आवाम घरों में फारिग हुई है तो फिर नेट पर, सोशल मीडिया पर वो फजूलियात लाई गई हैं कि जिनमें इन्वॉल्व होके हमारी जो यंग जनरेशन है वो ये वक्त भी अपना बर्बाद करती रही। यानी अब उस पर इंटरनेट पे गेम्स डाल दी गई जो वहाँ ऑनलाइन बैठ के आप गेम्स खेलते रहें, और फिर वो गेम्स ऐसी कि घंटों में वो आपकी ना ख़त्म हों, ना आप वहाँ से निगाहें हटाएं, ना किसी अमली काम की तरफ मुतवज्जे हों, आपको उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम करते रहें, या फिर घरों में सो सो कर सुस्ती, काहली और नहुसत अपने ऊपर तारी कर ली गई है, या ऑल टाइम जो है वो नेट पे, सोशल मीडिया पे फजूलियात को वसूल करो, सेंड करो, रिसीव करो, सेंड करो और गेम्स खेलो। ये हम लॉकडाउन का मतलब समझ रहे हैं, और हम अल्लाह के इस आने वाले जो एक झटका है हमारे लिए, हम इसको इस तरीके से संजीदा ले रहे हैं। तो फिर आप सोचिए कि आगे चल के फिर क्या होने वाला है। अगर हमें इससे डर नहीं लगा, हमें खौफ नहीं आया, अभी भी बहुत से घर, आप माशाल्लाह जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों का जायज़ा लीजिए, आप ही लोग हैं जो आके बताते हैं कि घरों में लड़के हैं तो वो इस तरह पड़े हुए हैं और सारा दिन वो इस तरीके से अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जवान लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ने वाली हैं तो उनका भी यही हाल है, और अगर वो नहीं पढ़ने वाली तब भी जिन जिन के पास मोबाइल है उनका यही हाल है। इल्ला माशाअल्लाह, मतलब इसका ये नहीं है कि हर शख्स ही ख़राब हो गया और हर कोई ऐसे कर रहा है। जब ऐसी बात की जाती है तो इसका ये मतलब होता है कि कसीर तादाद में लोग ऐसा कर रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, वो तो काबिले तारीफ़ हैं ही, और जहाँ इस तरह से इख्तिलात होता है, जहाँ अच्छे और ख़राब लोग जमा होते हैं, तो उन अच्छे लोगों की वजह से ही अगर मामला चल रहे होते हैं और अल्लाह का गज़ब जोश में नहीं आता, तो उसकी यही वजह होती है कि उन अच्छे लोगों की दुआएं, उनका अच्छा किरदार ही बाकी गुनाहगारों और बुरों को भी बचाता रहता है। लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक़्त गुजर जाता है, तो फिर अल्लाह करीम वो जो अच्छे सुस्ती का शिकार होते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, कौन सी ज़िम्मेदारी कि आप अगर देख रहे हैं कि आपके सामने कोई गलत, खिलाफ शरा और बुरा और हराम काम कर रहा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको समझाएं भी और उसको रोकने की पूरी कोशिश भी करें। अगर वो आपके कहने से रुकता नहीं है तो उससे फिर एक मुनासिब वक़्त तक वाज़ो नसीहत करने के बाद उससे अलग हो जाएं, ताकि वो बुरा रंग आपके ऊपर भी ना चढ़ जाए। तो आप सब लोग जितने भी माशाल्लाह हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं और नौजवान बच्चियाँ और बहनें हैं, आप ज़रा इस पर गौर फरमाइए कि अगर आप में से कुछ लोग ख़ुद बुराई से बचे हुए हैं तो फिर अपने घर में दीगर अफराद को कितना बचा रहे हैं, उनके साथ आप कितनी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ख़राबी से बचें, और घर में कोई अच्छी एक्टिविटी शुरू की जाए जिसमें आप बुराई से बच के बाकी सबको ले के अच्छाई का कुछ वक़्त गुजार सकें। ऐसा बहुत कम सुनने को आ रहा है। तो जो शोर चल रहा है अपने अपने शोबे के मुताबिक, अपने अपने ख्यालात के मुताबिक, जो लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि किसी ने कोरोना से लड़ना है और किसी ने डरना नहीं है और कुछ ये करना है, तो ये ज़रूर समझना चाहिए कि वो कोई भी बीमारी हो, कोई आजमाइश हो, कोई वायरस हो,
अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई चीज़ किसी पर मुसल्लत नहीं हो सकती। असबाब और वसाइल बेशक मुख्तलिफ होते हैं, मतलब अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये पूरी दुनिया में एक साजिश की गई है और इस वायरस को लेबॉरेटरीज़ में बनाकर दुनिया में फैलाया गया है, तो इसको भी अगर समझ लिया जाता है तो समझ लीजिए, मगर अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो कौन सी इतनी बड़ी ताकत थी जो दुनिया में इस वायरस को फैला सकती थी? कतई तौर पर नहीं। ये आलम असबाब है, इसमें जो काम भी होता है वो किसी ना किसी सबब से होता है। किसी के नसीब में बदबख्ती लिखी है, उसने बदबख्ती करनी थी, वो उसने अपने ज़िम्मे ले ली, उसने वो कर ली, और उसके ज़रिए से एक ख़राबी पूरी दुनिया के अंदर अगर फैल गई है तो फिर भी अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की मंशा के बग़ैर ये कभी ना होता। अब अगर अल्लाह करीम ये चाहता है कि मैं बंदों को एक आजमाइश में मुबतला करूँ तो उसने मुबतला किया। अब आगे हमारा क्या काम है कि हम डर जाएं? इसलिए कि हम उस ज़माने में रह रहे हैं जिसमें इस कायनात में फितने आसमान की बारिश की तरह बरसेंगे और वो बरसने शुरू हो चुके हैं। अब अगर हम ये कहें कि इसके बाद ये वायरस ख़त्म हो जाएगा तो आगे अमन आ जाएगा और अच्छा वक्त आ जाएगा, तो ये बात हमें भूल जानी चाहिए, क्योंकि हर वक्त जो आगे बढ़ रहा है, वो महीना हो या साल हो, वो आगे उन फितनों की तरफ ही जा रहा है जो क़यामत के फितने हैं। लेकिन हमारे अंदर डर और खौफ अभी भी पैदा नहीं हो रहा और हम अपने अल्लाह से ही नहीं डर रहे। आज सूरत हाल ये है कि अगर ख़वातीन को इखलास के साथ दावत दी जाती है दीन सीखने की, तकवे की, सुन्नत को अपनाने की, कुरान अजीम से रिलेटेड होने की, उसको तर्जुमे के साथ पढ़कर समझने की, तो खुश नसीब हैं आप सब लोग जो घरों में बैठकर या एक दूसरे के साथ मिलकर इज्तिमाई सूरत में हर रोज़ अपने रब के कलाम को सुन रहे हैं, अपने महबूब की सुन्नतों से लुत्फ़ानंदोज़ भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी नेमत ये कि जितना जितना आप चाह रहे हैं अल्लाह पाक आपको तौफीक भी अता फरमा रहा है, आप अमल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मगर कितनी बहनें, कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको उनके साथी अगर ये दावत देते हैं, तबलीग पेश करते हैं, तो उनका ये जवाब होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी ये मसरूफियत है, हमारी वो मसरूफियत है। तो हमशीरान मोहतरम, गुजारिश ये है कि ये सारी मसरूफियात किस लिए, इनका एंड क्या है, इनके मकासद क्या हैं? आप किसी खालिक की मखलूक हैं, आप किसी मालिक के बंदे हैं, आपका कोई रब है, आपका कोई माबूद है जिसने आपको बनाया और एक मुअय्यना मुद्दत के लिए इस दुनिया में भेजा है, और वो अपनी उस मुद्दत पर आपको एक सांस ज़्यादा लिए बग़ैर वापस बुला लेगा। तो आपकी ये मसरूफियात, आपकी ये ज़िम्मेदारियाँ आपको कभी नहीं अल्लाह से बचा सकेंगी, ना उसकी नाराज़गी से, ना उसके गज़ब से, ना वापस जाने से। तो यहाँ तो उसने बंदगी के लिए भेजा है ना, मेन मकसद जब बंदगी है तो ये बाकी चीज़ें तो जुज़वी और वक्ती ज़रूरत है जिनको पूरा करने के लिए हमने अपने आप को कुछ वक़्त के लिए मसरूफ़ रखना है। और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपका काम, आपकी मसरूफियात जो आर्जी हैं और हमने अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा मुसल्लत कर रखी हैं, उनसे आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। असल सुकून पता है कहाँ है? असल सुकून है कभी तन्हा और कभी इज्तिमा में बैठ के अपने रब से बातें करना, ये असल सुकून है, यही सुकून का रास्ता है। और ये भी याद रखिए
मेरी वो तमाम बहनें और अजीजात, इनसे ख़ास ख़ास ये मेरी गुजारिश और मेरा पैगाम है कि ये बात भी ज़रूर याद कर लीजिए कि दुनिया की मोहब्बत से कभी रब नहीं मिलता, और रब ही के पास आपने लौट कर जाना है, किसी को इस दुनिया में छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो मैंने क्या अर्ज़ की, दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी मिल जाती है।